दोस्तों आप लोग को रील बनाने और वायरल जाना है और ब्लॉग बनाना है, पैसा कमाना है और ऐसा डिवाइस लेना है जिसमें वीडियो शूट भी खतरनाक हो जाए और ना उसमें मतलब एडिटिंग भी खतरनाक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों को इस बिग बिलियन डेज में आईफोन 13 ले लेना चाहिए। अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और मैं आपको इसका फ़ायदा पूरे इस वीडियो में बताता रहूँगा, एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों लोग ऐसा माइक यूज़ करते हैं आईफोन के साथ, ये भी 20,000 का आता है, अभी जो आता है वो 30,000 का आता है। तो चलो बिना माइक का आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो गांव में कितना मस्त लगता है ना। तो आईफोन 13 बिग बिलियन डेज में लेना वर्थ इट है कि नहीं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो लोग वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट फोन है। अगर आप लोग आउटडोर शूट करोगे ना तो मतलब गजब लेवल का वीडियो कर सकते हो। देखो सूरज मेरे ठीक पीछे है, लाइट को कितना सुंदर तरीके से बैलेंस कर रहा है, देख सकते हो। ये देखो कितना सुंदर तरीके से लाइट को बैलेंस कर रहा है, मेरे चेहरे को दिखा रहा है ना। वाइड एंगल में 4K 60fps में शूट हो रहा है। अभी देखो धूप मेरे डायरेक्ट इधर आ रहा है ना। तो अभी देखो कितना सुंदर स्क्रीन भी कितना सुंदर दिखता है ना, ये आईफोन का कमाल है। और दोस्तों देखो ये मेन कैमरा से रात को वीडियो कितना जबरदस्त आ रहा है। अभी देखो लाइट एकदम कम है ना, लेकिन देखो थोड़ा कलर एडिट करने के बाद ही कितना मस्त दिख रहा है। तो दोस्तों अभी देख सकते हो धूप चला गया है ना, लेकिन आप देखो यार बिना धूप का भी कितना जबरदस्त आ रहा है। आप ब्लॉगिंग वगैरह करोगे ना, अभी भी ये एक बेस्ट फोन है, हम लोग यूज करते हैं। और सुनो VN वीडियो एडिटर ऐप से ना ये आराम से सब 4K वीडियोस एडिट हो जाते हैं, यही सबसे कमाल का बात है। देखो इधर सूरज था, अभी देखो कैसे लाइट बैलेंस कर रहा है। अभी देखो इधर सीधा सीधा, अभी तो इधर वो आ गया है, क्लाउड्स आ गए तो सूरज ढक गया है। अभी देखो कैसा हमारा स्किन लग रहा है, कैसा चेहरा लग रहा है ना, जबरदस्त क्वालिटी। तो आप लोग ये देखो इसका मेन कैमरा कितना जबरदस्त है यार, एकदम मतलब मक्खन बराबर 4K वीडियो बनाता है। आप देखो एक बार कितना जबरदस्त, और आसमान इतना सुंदर दिखाता है कैसे मेरे को पता नहीं, इतना मस्त लाइट बैलेंस करता है। और आसमान का जो क्लाउड्स है आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखाता है। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा ब्लॉग का यही मतलब मकसद था कि आप लोगों को बोलना, 15-16 लोगे बहुत पैसा खर्चा करके ये 13 दोस्तों इतना जबरदस्त फोन है, लोग इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते, इतना जबरदस्त फोन है। आपको बस ये वीडियो में बना के आपका हेल्प कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों ये ले लेना आप लोग, इतने कम पैसे में लोग एंड्रॉइड फोन ही लेते यार, 40,000 का 35,000 का एंड्रॉइड फोन ही लेते, लेकिन उससे हजार गुना बेटर है ये। आप लोग और एक चीज दिखाता हूँ, देखो आईफोन 13 में पहली बार क्या दिया था, अरे देखा कि नहीं बैकग्राउंड ब्लर हो गए कि नहीं। अरे दोस्तों पहली बार आईफोन में, ये आईफोन 13 में दिया था कि बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो बिना माइक का भी, आप देख सकते हो इतना टाइम जो वीडियो आप देख रहे थे बिना माइक यूज करे। कोई महंगा आईफोन का माइक भी बहुत सुंदर होता है खाली जगह में, जैसे जैसे अभी कोई शांत जगह है ना, यहाँ पर माइक मतलब जबरदस्त काम करता है, ऐसा लगता है बहुत मतलब प्रोफेशनल माइक से भी शूट हो रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि ये फोन बिना कोई टेंशन का, बिना कोई चिंता का आप ले सकते हो, हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको 35,000-40,000 के अंदर लेना है, मुझे तो ऐसा लगता है यार बेकार मतलब क्वालिटी, मैंने उस दिन 15 का भी देखा ही था, मतलब मेरे को तो सेम ही लगता है यार, आईफोन को सेम ही लगता है, 12 भी लगता है, 13 भी लगता है, 14 भी लगता है, मतलब इतना डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग अगर ये 35,000 में या 40,000 में आईफोन 13 मिलता है ना, आप ले लो आँख बंद करके और कुछ मत देखो। और एक चीज़ बता देता हूँ, 128 GB वर्जन लो अगर ठीक लगता है तो, नहीं तो 256 GB लेना, उससे आप लोग का डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि 4K वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ ना इसमें बहुत मेमोरी लग जाता है यार, और बहुत जल्दी फुल हो जाता है मेमोरी, ये एक छोटा सा एक दिक्कत है। तो बाकी मिलते हैं और कोई ब्लॉग में। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी करना।